चाहे भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी, चाहे द्वैत का पक्षधर हो या अद्वैत का, सभी संतों ने एक स्वर में कहा है कि जीव भगवत स्वरूप है, परंतु इस संसार में जन्म लेने के पश्चात माया के प्रभाव में आकर अपने असली स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति की कीमत होती है कष्ट, पुनर्जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु की अनंत श्रृंखला। भक्ति मार्गी कहते हैं कि इन सब से बचने का उपाय है, और वो उपाय है भक्ति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया पर। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु की। 18 फरवरी सन 1486 को बंगाल के नवद्वीप में चंद्र ग्रहण के समय उनका जन्म हुआ। बालक की काया स्वर्णिम आभा लिए हुए थी, इसीलिए उनका एक नाम गौरांग महाप्रभु भी है। अपने पिता जगन्नाथ और माता सची की वे दूसरी संतान थे। बालक में बचपन से ही कृष्ण के प्रति गहरा आकर्षण था। वे कृष्ण का जप करते, कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नृत्य करते। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास धारण किया, जिसके पूर्व वे विशंभर नाम से जाने जाते थे। अपने पिता का श्राद्ध करने वे गया जी गए, और यहीं उनकी मुलाकात उनके गुरु ईश्वरपुरी से हुई, जिन्होंने गौरांग को गोपाल कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव हुआ। गुरु ईश्वर पुरुष से दीक्षा के उपरांत चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने स्वामी केशव भारती से संन्यास धर्म में दीक्षा ली। भक्ति मार्ग में चैतन्य महाप्रभु की स्वीकारिता निर्विवाद है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई कई चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन आता है, इनमें से कुछ का उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। एक बार शिशु चैतन्य के शरीर पर गहने देख दो चोरों को लालच आ गया। वे घर से शिशु को उठाने में कामयाब हो गए। बच्चे को लेकर वे दोनों भाग गए। वे लगभग एक घंटे तक बच्चे को लेकर चलते रहे, परंतु उन दोनों चोरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब एक घंटे तक चलते रहने के बावजूद भी वे वहीं पहुंच गए जिस स्थान से उन्होंने बच्चे को उठाया था। पकड़े जाने के डर से वे बच्चे को घर के सामने लिटाकर भाग गए। बचपन में एक बार बालक चैतन्य ने घर के भोजन पकाने वाले सभी बर्तन तोड़ दिए, अनाज और खाने की चीजें बिखेर दी, और हाथ पांव पटकते हुए रोते रोते सो गए। जब वे सोकर उठे तो माँ को दुखी देखा। माँ ने कहा, बेटा सब कुछ तुमने तोड़ दिया, बिखेर दिया, कुछ लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? माँ को इस स्थिति में देख बालक गंगा किनारे से हाथों में मिट्टी भर लाया। माँ को हाथों में मिट्टी देते हुए कहा कि इससे तुम्हारा सारा सामान आ जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से मिट्टी सोने के सिक्कों में तब्दील हो गई। 11 वर्ष की उम्र तक चैतन्य वैदिक ज्ञान की सभी धाराओं में पारंगत हो चुके थे। अब तक वे नादिया में सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुके थे, परंतु चैतन्य के मृदु व्यवहार के चलते कोई भी उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखता था। एक दिन कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान नादिया आए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा के तट पर इन सज्जन से मुलाकात की। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया कि वे माँ गंगा की महिमा में कुछ पदों की रचना करें। शीघ्र ही उन महाशय ने संस्कृत में एक लंबी चौड़ी रचना चैतन्य के समक्ष प्रस्तुत की।
चैतन्य महाप्रभु ने इस रचना में कई गलतियां इंगित की। उन महाशय को तो मानो सांप सूंघ गया हो। रात्रि में उन्हें देवी सरस्वती का स्वप्न आया कि जिस बालक ने तुम्हें पराजित किया था वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके बाद वे चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु के पास बड़ी संख्या में भक्त नाम संकीर्तन के लिए इकट्ठा होते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब संकीर्तन का समापन हुआ तब चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा कि आप प्रसाद में क्या लेंगे। शायद किसी ने आम बोल दिया। महाप्रभु ने आम की गुठली मंगाई। धरती पर गुठली रख कर उन्होंने भगवत नाम का जप चालू कर दिया। भक्तों के देखते ही देखते वह बीज पौधे के रूप में जागृत हुआ और पौधे से वृक्ष बन गया। और इतना ही नहीं, वृक्ष पके आम के फलों से लद गया। नाम के चमत्कार की यह एक अद्भुत घटना थी। एक बार भक्तों को जोर जोर से संकीर्तन करता हुआ देख कुछ लोगों ने मुसलमान गवर्नर के यहाँ शिकायत की। गवर्नर ने सैनिकों को भेजा ताकि संकीर्तन करने वालों को दंडित किया जा सके। सैनिकों के आने की खबर सुन भक्तगण अपने अपने घरों को दौड़ पड़े। वहीं दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु आनंद में निमग्न नृत्य करने लगे। भजन और नृत्य करते करते उन्होंने उद्घोष किया, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर सैनिक कैसे कुछ कर सकते हैं। कहते हैं उन्हीं क्षणों में भगवान नरसिंह की दहाड़ की भयंकर गर्जना हुई। किसी घोर विपत्ति की आशंका में सैनिकों ने वापस जाना उचित समझा। इस प्रकार सभी भक्तों की रक्षा हुई। एक बार पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही थी। रथ अचानक एक जगह अटक गया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भी रथ को आगे ना बढ़ा सकी, जिसके पश्चात वहां के राजा ने हाथियों का जत्था मंगवाया। परंतु महावतों के अथक प्रयास के बावजूद भी हाथी रथ को तनिक भी आगे ना ढकेल सके। ऐसे में चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए और कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए रथ के एक हिस्से में अपना सिर लगाया। देखते ही देखते रथ ऐसे आगे बढ़ने लगा कि मानो कभी अटका ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का यह स्वभाव था कि वो भक्तों के यहाँ प्रसाद पहुँचाते थे और भक्तों द्वारा जो प्रसाद आता उसे स्वीकार भी करते। एक बार महाप्रभु कई दिन तक उपवास पर थे। प्रसाद की ढेरियाँ इकट्ठी होती रहीं। प्रसाद ना ही खाया गया ना ही वितरित किया गया। प्रसाद इतना हो गया कि सैकड़ों लोग उसे ग्रहण कर सकते थे। जब महाप्रभु की सेवा में लगे गोविंद दास ने प्रसाद के विषय में बताया तो महाप्रभु ने प्रसाद मंगवाया और तब तक प्रसाद ग्रहण करते रहे जब तक भंडार गृह में रखे हुए प्रसाद का एक एक निवाला खत्म नहीं हो गया। कभी कभी ऐसा होता कि भगवत नाम का सिमरण करते करते चैतन्य महाप्रभु की सांसारिक चेतना का लोप हो जाता। ऐसा ही एक वाक्य है जब वो समुद्र के किनारे टहलते हुए भगवत नाम में डूबे हुए थे और आनंद के अतिरेक में उनकी बाहरी चेतना लुप्त हो गई। समुद्र की लहरें उन्हें बहुत भीतर तक खींच ले गईं। ऐसे एक में एक मछुआरे ने जाल डाला जिसमें चैतन्य महाप्रभु का शरीर फंस गया। मछुआरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि जाल में क्या फंसा है, परंतु जैसे ही उसने जाल खींचा और महाप्रभु के शरीर को हाथ लगाया उस पर ब्रह्मानंद की खुमारी चढ़ गई और उसके मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण का संकीर्तन होने लगा। चैतन्य महाप्रभु के भक्त उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए। महाप्रभु के शरीर में जीवन के कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर ना होते थे। भक्तों ने कृष्ण नाम का संकीर्तन शुरू कर दिया। कुछ समय बाद महाप्रभु सांसारिक चेतना में वापस लौट आए। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के एक मंदिर पहुंचे। उसी क्षेत्र में एक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति रहता था जो कि भगवान विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति रखता था।
चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर सुन वह उनके दर्शन हेतु निकल पड़ा, परंतु जब तक वह मंदिर पहुंचा महाप्रभु जा चुके थे। वह व्यक्ति जमीन पर गिर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा। वहीं दूसरी ओर भक्त की आर्त पुकार सुन महाप्रभु ने अपनी यात्रा रोक वापस मंदिर का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने विलाप कर रहे इस वासुदेव नाम के व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। देखते ही देखते उसका कोढ़ जाता रहा। इस चमत्कृत कर देने वाली घटना से उस क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हुए। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई एक और अभूतपूर्व घटना है। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को यह निर्देश दिया कि वे नादिया में घर घर जाकर लोगों को कृष्ण नाम संकीर्तन के लिए प्रेरित करें। नित्यानंद और हरिदास ने घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। भगवत प्रीति वाले लोग जहां इनका सम्मान और सत्कार करते, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जिनकी नज़रों में इनके लिए कोई खास सम्मान नहीं था, परंतु मान सम्मान की ओर ध्यान न देकर वे अपने कार्य पर ध्यान दे रहे थे। नादिया में ही दो भाई रहते थे, जगाई और मधाई। दोनों ही हिंसा एवं पाप कर्मों में तल्लीन रहते थे। शायद ही ऐसा कोई अपराध था जिसमें उनकी संलिप्तता ना रही हो। लोग उनसे भय के कारण दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन जब नित्यानंद और हरिदास शहर में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दो आदमी नशे में धुत कभी एक दूसरे से लड़ते और कभी गले लग जाते। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि जगाई और मधाई थे। नित्यानंद को इन्हें देख बड़ी करुणा आई। उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें भगवत नाम का उपदेश दिया जाए। इस इरादे से जब वे उन भाइयों की ओर बढ़े तो लोगों ने उन्हें सचेत किया, रोका, परंतु वे नहीं माने। लेकिन जब इन्होंने उनके करीब पहुंच भगवत नाम का उपदेश दिया तो दोनों भाई भड़क गए और नित्यानंद और हरिदास को दौड़ा लिया। दोनों साधु जैसे तैसे वहां से बचकर निकले। एक दिन रात्रि के वक्त नित्यानंद कहीं से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें जगाई और मधाई मिल गए। मधाई नित्यानंद को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने नित्यानंद के सिर पर एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन दे मारा, जिससे उनके सिर से रक्त बहने लगा। इस घटना की जानकारी चैतन्य महाप्रभु को हुई। वे उसी वक्त वहां पहुंचे। क्रोधवश उन्होंने श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जागृत कर दिया। जगाई और मधाई सुदर्शन चक्र देखकर बहुत घबरा गए। नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु को शांत किया, उनसे कहा कि आपका यह अवतार प्रेम, करुणा और भक्ति के द्वारा लोगों की बुराइयां दूर करने के लिए है, ना कि वध करके। अंततः जगाई और मधाई को न सिर्फ क्षमा प्राप्त हुई बल्कि उनका आगे का जीवन भक्तिमय और सत्कर्मों से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ने संसार से कैसे विदा ली, यह बात आज भी एक रहस्य है। बहुतों का कहना है कि वे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए, परंतु ऐसा भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में दोपहर के वक्त प्रवेश किया और उसके बाद ना उन्हें कभी देखा गया और ना ही कभी सुना गया। जन्म, जीवन और मृत्यु मनुष्य जीवन के अमिट पहलू हैं, इनसे कोई भी नहीं बच सकता, परंतु संत का चरित्र और जीवन इस ओर इशारा करता है कि मनुष्य जीवन में मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा के तल पर व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए। और मनुष्य जीवन का धर्म एक ही है, वो है मुक्ति का प्रयास। महाप्रभु का कहना था कृष्ण नाम के संकीर्तन से व्यक्ति जीवन मृत्यु के पार जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति मार्गी थे और उनके जीवन में एक ही महामंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो।
यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।